हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेमंत केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज आईपीएससी के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ साइनाइड। कहीं पर भी सीएन ग्रुप लगा हो तो सीएन ग्रुप की नेमिंग हम इस तरीके से करेंगे। सीएन ग्रुप कहीं भी प्रेजेंट हो उसे हम साइनाइड कहते हैं। और साइनाइड के लिए दो केस आएंगे, यदि सीएन का कार्बन काउंट कर लिया जाए तो उसके लिए नाइट्राइल लगाना है, और जब सीएल का कार्बन काउंट ना किया जाए तो उसके लिए कार्बोनाइट्राइल लगाना है। सीएल को जब एज ए सब्स्टिट्यूट माना जाए, जब उसकी काउंटिंग ना की जाए सीएन के कार्बन की, तो उस केस में सीएन को क्या लिखेंगे आप? सीएन को कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। बहुत ही अच्छा मेंबर है ये साइनाइड और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कुछ बातों को कि यदि सीएन का कार्बन गिन लिया जाए, काउंट कर ले, तो उस केस में सीएन को हम क्या लिखेंगे? नाइट्राइल। और जब सीएन का कार्बन काउंट ना किया जाए तब सीएन के लिए क्या लिखेंगे? कार्बोनाइट्राइल। बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल है इसमें। तो आइए चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि क्या है साइनाइड। नेमिंग ऑफ साइनाइड, नेमिंग ऑफ साइनाइड तो साइनाइड में क्या मिलेगा आपको? सी ट्रिपल बॉन्ड एन। कहीं पर भी आपका सी एन ग्रुप अटैच हो तो उसे साइनाइड कहेंगे। साइनाइड के लिए आपको क्या लगाना है? नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। तो इसके लिए हमेशा आपको नाइट्राइल यूज करना है, नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल इसके लिए लगाएंगे। और यदि इसका कार्बन काउंट ना किया जाए तो उस केस में लिखना है इसको कार्बोनाइट्राइल। तो जब ये तो हमारा एल्केन नाइट्राइल, क्या लिखेंगे? एल्केन नाइट्राइल, तो इसका जो है सफिक्स हो जाएगा। लेकिन एज जब प्रीफिक्स को यूज करेंगे तो ये आएगा आपका कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल, ये आप जरूर देखेंगे। तो कार्बो नाइट्राइल किस तरीके से करना है, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसमें, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। और आप इनको जो है जरूर प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस पर ये डिपेंड है आईपीएससी। यदि प्रैक्टिस नहीं करते तो प्रॉब्लम होगी आपको, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप कर सके उतनी ज्यादा इनका जो है करिए। और आईपीएससी अब लगभग आपकी खत्म होने वाली है, ये साइनाइड मेंबर चल रहा है, इसके बाद आप एस्टर देखेंगे, इसके बाद ईथर, और फिर कुछ स्पाइरो कंपाउंड वगैरह, उनकी नेमिंग आप देखेंगे। स्पाइरो कंपाउंड आ जाए, बाईसाइक्लो कंपाउंड आ जाए, उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। तो इस तरीके का ये चैप्टर अपने खत्म होने के उसमें है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने पहला एग्जांपल लिया, ए सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें सिंगल कार्बन है तो वन लगा दिया आपने। वन के लिए क्या लिखेंगे आप? मेथेन, मेथेन हो गया, और नाइट्राइल, नाइट्राइल लगेगा। और जैसे आपने टू कार्बन्स लिए CH3, सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा दिया, तो वन और टू ये टू कार्बन्स हैं, तो इसके लिए आप लिखेंगे एथेन नाइट्राइल, ये आ गया। और जैसे आपने CH3, CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड एन इसको लिया, तो नंबर 1, 2, 3 और ये 4 कार्बन हुए, तो 4 के लिए हम ब्यूट लगाते हैं तो ये होगा आपका ब्यूटेन नाइट्राइल, नाइट्राइल लगाएंगे आप। और जैसे अगला एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पर डबल बॉन्ड ले लिया, तो CH2 CH, यहाँ CH2 CH2, सी ट्रिपल बॉन्ड है, तो नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन टोटल है। और 5 के लिए डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, तो 5 के लिए आप पेंट लगाएंगे, तो ये आपका जो है पेंट हो गया। अब 2 पर आपने देखा कि ये लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे? 2-ene, तो 2-ene हो गया। और इसके बाद आपके कितने 5 कार्बन हैं,
तो ये हो जाएगा नाइट्राइल। नाइट्राइल वन पर ही लगा हुआ, वन की कोई वैल्यू नहीं है, नाइट्राइल ये इसका नहीं। तो इस तरीके से आपको कोई मेंबर दे दिया जाए, ऐसे आपको नेमिंग करनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आईपीएससी ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का मेन पार्ट है ये, कहिए आप यदि आईपीएससी को बढ़िया नेमिंग को अच्छे से पढ़ लिया तो ऑर्गेनिक में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं। और चलिए जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने सी सी सी, यहाँ पर हमने सी एन ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर सी एन ले लिया और यहाँ पर सी एन ले लिया। अब इस केस में आपको क्या करना है, इनकी काउंटिंग इस तरह है 1, 2 और 3, चेन की काउंटिंग कर लेंगे इनको आप, इनकी नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि इनकी करेंगे तो फिर लंबी चेन मिलेगी, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसको छोड़ना पड़ जाएगा आपको। तो ये आईपीएससी ने कहा कि ये चीज गलत है, या तो आप छोड़ो तो सबको छोड़ दो, या फिर काउंटिंग करिए तो सभी की कर लो, तो सभी की आप इस केस में कर नहीं सकते हैं। तो इसको फिर उन्होंने कहा कि इसमें किसी की काउंटिंग ना करिए, मेन कार्बन चेन की काउंटिंग करो। अब थ्री कार्बन है तो थ्री के लिए प्रोप लगता है, इसके लिए लिखेंगे हम प्रोपेन, प्रोपेन आया और तीनों पर सी एन ग्रुप लगा हुआ है तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल। और जैसे हमने लिया, हमने ये अटैच किया, ऐसे यहां सी एन कर दिया, यहां सी एन, यहां पर सी एन और यहां पर सी एन, तो चेन तो आपको यही काम करनी है, ये चेन हो गई आपकी, चेन की काउंटिंग आपने ऐसे कर ली है। आप इसको 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 ये तो कहां कहां अटैच है काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हम पेंट लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका पेंट एन। अब कहां कहां सी एन ग्रुप है, 1 पर, इसके बाद 2 पर, 3 पर और फिर 5 पर, 4 टाइम्स है, 4 के लिए क्या लिखते हैं, पेंटा कार्बो नाइट्राइल, पेंटा कार्बो नाइट्राइल ये इसका। जैसे बहुत अच्छे अच्छे बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल हैं, जैसे आपने कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया, यहां पर सी एन ग्रुप लगा दिया तो नंबर आप करेंगे 1, 2, 3 और ये 4, 4 कार्बन हुए, 4 के लिए हम क्या लगाते हैं, साइक्लिक कंपाउंड है तो ये हो जाएगा साइक्लो, 4 कार्बन हैं तो लिखेंगे ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन हुआ। और सी एन ग्रुप का कार्बन काम नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा आपका कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल, तो क्लियर हुआ। तो हमारा सी एन ग्रुप कहीं पर भी डायरेक्ट आपका चेन रिंग से अटैच है तो उस केस में आपको सी एन की काउंटिंग नहीं करनी है। जब सी एन की काउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या लिखना है, कार्बो नाइट्राइल। और देखिए, और इसी के आगे जैसे हमने ये लिया साइक्लिक कंपाउंड में ही, यहां पर आपने CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर हमने अटैच कर दिया साइक्लिक कंपाउंड, तब आप यहां देख रहे हो कि सी एन ग्रुप डायरेक्ट रिंग से नहीं अटैच है। जब सी एन ग्रुप डायरेक्ट साइक्लिक कंपाउंड से अटैच ना हो तो इसकी काउंटिंग आप करेंगे तो नंबर 1 और ये 2 हो गया। 2 के लिए हमें क्या लगाना है, एक अक्टूबर साइड चेन अटैच है तो लिखेंगे 2, साइड चेन किसकी है, साइक्लो, कार्बन कितने हैं काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है तो 6 के लिए लिखते हैं हेक्साइल, तो 2 साइक्लो हेक्साइल हो गया और 2 कार्बन की मेन चेन है तो इसके लिए क्या लिखेंगे आप, एथेन नाइट्राइल, एथेन नाइट्राइल ये साइक्लिसिन है। और इसी को हम यदि डायरेक्ट चेन के साथ अटैच कर दें, साइक्लिक कंपाउंड के साथ अटैच कर दें तो सी ट्रिपल बॉन्ड एन, अब इस केस में काउंटिंग 1 होगी, 2 होगी और ये 3 होगी, तो 3 के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, प्रो,
साइकिल एक कंपाउंड है, इसे लिखेंगे आप साइक्लो प्रोपेन, इन लग गया। और इसका कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो ये हो जाएगा कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल। और जैसे ये लिया आपने, यहां पर हमने सी एन ग्रुप अटैच किया ये, और यहां पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो बैलेंस करेंगे आप सी एच थ्री, यहां पर एच, ये एच, यहां पर एच टू और यहां पर एच टू, नंबरिंग होगी 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 6 कार्बन टोटल। अब 6 कार्बन है तो 6 के लिए क्या लिखते हैं, हम हेज ये लिखते हैं, तो ये आपने हेज लगा दिया इसके लिए। और यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है आपका, डबल बॉन्ड ये 4 पर अटैच है, इसे लिखेंगे आप 4-ene, 4-ene हो गया, और आपका नाइट्राइल ये। तो इस तरीके से कोई भी आपके एग्जांपल दे दिए जाएं, तुरंत आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा इफिशियंसी आएगी इसमें। कहीं पर भी आपने मान लो ये साइक्लिक कंपाउंड ले लिया हमने इस तरीके का, यहां पर हमने सीएन ग्रुप अटैच कर दिया। अब यहां पर नंबरिंग आपको कैसे करनी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5 कार्बन हुए। 1 पर आपको ये साइक्लिक कंपाउंड अटैच है तो ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट बन गया, इसकी साइड इसकी काउंटिंग आपने नहीं की, तो 1 पर अटैच है तो इसे लिखेंगे आप 1 साइक्लो 3 कार्बन से, तो हो जाएगा प्रोपाइल, 1 साइक्लो प्रोपाइल। और ये आपका एक साइक्लिक कंपाउंड है तो इसके लिए आप लिखेंगे साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंटेन लगा दिया, और ये आपका इसकी काउंटिंग आपने नहीं की तो ये हो जाएगा आपका कार्बो नाइट्राइल। ये हो सीएन ग्रुप को मान लो हम ऊपर वाले उसके रिंग के साथ अटैच कर दें, यदि हमने ऊपर वाले रिंग के साथ ये अटैच किया यहां पर सीएन, तो फिर इसकी काउंटिंग आप नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये एज ए सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एज ए साइड चेन हो जाएगी, इसे हम क्या लिखेंगे साइड चेन। किसकी देख रहे हैं आप, इसको पेंटाइल। नंबरिंग आपकी यहां से होगी 1, 2 और 3 होगी, तो ये मिलेगा आपका 1 साइक्लो, 1 पर साइक्लिक कंपाउंड है तो 1 साइक्लो लिख दिया, 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंटाइल लिख दो, पेंटाइल हो गया। और इसके बाद क्या लिखेंगे, अब इसमें जो मेन हमारा कंपाउंड है उसमें आपका साइक्लो 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिखा आपने, और प्रोपेन सीएन की कार्बन की काउंटिंग नहीं हुई है तो ये हो गया कार्बोनाइट्राइल। तो ये थी हमारी इस तरीके की सीएन की नेमिंग, कि कहीं पर भी सीएन ग्रुप आपको यदि अटैच है तो उसकी नेमिंग आपको इस तरीके से करनी होगी। तो सीएन का मेंबर आपका यहीं पर खत्म हुआ, इसकी आप प्रैक्टिस करते रहें, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस कर ले जा रहे हैं उतनी ज्यादा जो है बढ़िया रहेगा, तो प्रैक्टिस आप इसकी जरूर करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।